तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीके से पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले क्या गेमर्स ज़्यादा कमाते हैं बाकी सब यूट्यूब चैनल से, या गेमिंग क्यों पॉपुलर है इंडिया में, ज़्यादातर इंडियंस मतलब गेमिंग करते हैं, तो इसके बारे में आज जानने वाला हूं। और क्यों है ऐसा और किस तरीके से लोग मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आप गेमिंग चैनल जल्दी से कमाना चाहते हो, यूट्यूब में अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो गेमिंग चैनल खोल के बैठ जाओ। इसलिए बोलते हैं क्योंकि गेमिंग चैनल में आपको पहली बात तो ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग गेम्स खेलोगे, गेम्स में कुछ कॉमेडी ऐड करोगे, मीमीज ऐड करोगे, तो वो अपने आप एक कंटेंट बन के चल जाता है यूट्यूब में। लेकिन अगर आप गेम्स ऐसे हफ्ता भर में एक बार दो बार खेलोगे तो कुछ नहीं होगा। लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो पर डे कीजिए, स्ट्रीम करना है और वीडियो भी डालना है तो वीडियो भी पर डे डालिए और स्ट्रीम भी पर डे कीजिए। इस तरीके से आपका चैनल लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि अभी गेमर्स आप मानो तो गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग चल गए। कोई भी होता है भाई मुझे ये अच्छा से गेम खेलना, तो पबजी के कारण तो बहुत ज़्यादा ही लोग गए, क्योंकि पबजी सबको खेलने आता है, सब सोचते कि एक चैनल चालू करते ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छा खेलते हो, कॉमेडी वीडियोज़ भी बना मतलब उसमें कुछ कॉमेडी करते हो, मीमीज ऐड करते हो, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से लोगों को कुछ प्रोवाइड करते हो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। या आप कोई भी गेम खेलो तो अलग अलग गेम खेलो, ये नहीं एक गेम पे स्टिक हो जाओ, अलग अलग गेम्स ट्राई करते रहो हर एक गेम। अगर आपने कैरीमिनाटी को देखा होगा, डायनेमो को भी देखा होगा, या किसी भी बड़े गेमर को देखा होगा, तो वो अलग अलग गेम जरूर ट्राई करते कभी ना कभी। अगर पबजी अभी बैन नहीं होता तो भी वो ट्राई करते ही रहते थे बीच बीच में। और अभी अमोंग अस मेरे हिसाब से, अगर आप इस वीडियो को कब देख रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लेट तक देखोगे, लेकिन अभी अभी इस हिसाब से जब मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, उस हिसाब से अभी Among Us बहुत फेमस है। तो चलिए जानते हैं क्यों गेमिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको कि आप गेमिंग चैनल क्यों स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पहली बात तो अगर आप एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस है फ्यूचर में या आगे चल के, क्योंकि गेमिंग चैनल पे आप बहुत अच्छी तरीके से डोनेशन मांग सकते हो। गेमर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गेमर्स यूट्यूब से कमाते हैं, कॉम्पिटिशन से कमाते हैं, टूर्नामेंट से कमाते हैं, अलग अलग ऐप्स में भी वो स्ट्रीम करते हैं तो भी उससे भी कमाते हैं। कितने लोग यूट्यूब में सिर्फ वीडियोज़ डालते हैं और अलग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करते हैं, तो इससे उनसे दोनों की अर्निंग मतलब उन्हें दोनों से अर्निंग मिलती है। अब अगर आप गेमर बनना चाहते हो तो पहली बात तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और उस स्मार्टफोन में आप सिर्फ गेम्स खेलो और हमेशा अपने गेमिंग करियर को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। ये नहीं कि ये कर रहा है ये कर रहा, मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ करते जा रहे हो, कुछ भी वीडियोज़ डालते जा रहे हो, हफ्ता में एक वीडियो डाल दिया, मन किया तो वीडियो डाला, मन किया तो वीडियो नहीं डाला, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस रहो, लोगों से कॉन्टैक्ट करना सीखो, गेम को शेयर करना सीखो, गेम में कुछ कॉमेडी डालो, अपना एगो इंस्टाग्राम आईडी बना लो, अगर आपका एगो चैनल है तो उसी से एगो इंस्टाग्राम आईडी बना लो, उसमें भी पोस्ट करो। एक गेम को आप बहुत अलग अलग तरीके से हर जगह पोस्ट कर सकते हो, कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ अपने गेम्स में भी, ये नहीं कि बस नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हो। हाँ, कुछ लोग वैसे भी ग्रो कर जाते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके डाले, वॉइस ओवर भी नहीं किए, लेकिन आप उनसे पूछना वो बहुत साल पहले चालू किए होंगे, तब ऐसा चलता था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब गेमिंग कम्युनिटी में बहुत लोग आ चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि बस 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हर मतलब किसी कोई अगर रोस्टिंग करता है तो उसका एक गेमिंग चैनल हो जाता है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आप गेमिंग में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा खेलना होगा, बड़े यूट्यूबर्स से भी कुछ अच्छा, बड़े यूट्यूबर्स को कंपटीशन देने का ट्राई करो, कुछ अलग अलग टूर्नामेंट्स को जीतो, उस पर उससे आपको कंटेंट मिलेगा। और कहीं से भी आप बस अपने फॉलोअर्स लाने की कोशिश करो तो वो आपके गेम्स को देखेंगे, गेम्स में कुछ कॉमेडी करो, प्रैंक करो। आप अगर कोई भी गेमर को देखोगे तो वो अलग कंटेंट बनाता है हटके, मतलब गेम वही होगा और उसमें जो वॉइस ओवर करेगा या कुछ भी करेगा तो वो एकदम हटके होता है, अलग टाइप से होता है, इसीलिए उनका गेमिंग चैनल ग्रो कर जाता है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे भाई इन लोगों का चल जाता है बिना वॉइस ओवर के, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उनका चैनल बहुत पहले से चल रहा है। अभी टेक्निकल गुरुजी, अगर मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी अभी अपना कंटेंट डाल रहे हैं तो उनका चैनल बहुत पहले से ग्रो कर चुका है, तो उनमें व्यूज़ आना ही है मिलियंस में। लेकिन अगर आप वैसा ही उनके जैसा कॉन्टेंट डालना चालू करोगे तो आपका में व्यूज़ नहीं आएगा जल्दी। अभी टेक्निकल चैनल भी बहुत ज़्यादा हो गया, हर एक चैनल में कॉम्पिटिशन है, तो इसीलिए आप कुछ
अलग करने का ट्राई करोगे तो जरूर आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। और ग्रो ऐसे ही नहीं कर जाएगा कि दो तीन वीडियोस डाल रहे हो, हफ्ता में एक वीडियो डाल रहे हो। कोशिश करो हफ्ता में कम से कम तीन वीडियो डालो। मेरे चैनल पे भी तीन वीडियोस आते हैं, हर चैनल पे मेरे तीन वीडियोस आते हैं, लेकिन मेरे दो चैनल को अभी मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो बाकी सब चैनल्स पे मेरे तीन वीडियोस आते हैं, व्लॉग्स भी डालता हूँ मैं अलग अलग। मतलब पूरा दिन अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो पर डे आपको कम से कम 5 घंटा यूट्यूब में देना होगा या सोशल मीडिया पे देना होगा। पूरा दिन मत दीजिए, 5 घंटा बहुत होता है। बनने के लिए कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, तो कोई टिप या ट्रिक्स नहीं है। बस आपको अपने अंदर मेहनत करनी होगी और स्किल्स, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। जैसे मान लीजिए कि एक गेम खेला मैंने बहुत अच्छे से, जो उस गेम को खेलना आता है, तो मैं उस गेम में किसी को कंपटीशन दूंगा, अब उससे लोगों के साथ अट्रैक्शन बैठेगा। अब आप ये करवाइए, वर्सेस करवाइए, कोलैब कीजिए किसी बड़े गेमर के साथ या छोटे गेमर के साथ, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलिए, कंपटीशन दीजिए, लोगों को गिव अवे कीजिए, मतलब कुछ अट्रैक्ट करते रहिए लोगों को। इस तरीके से आपकी गेमिंग चैनल बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। और गेमिंग मेनली पॉपुलर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर इंडियन गेमर्स है, गेमिंग कम्युनिटी में ज़्यादातर इंडियन गेमर्स है या यूट्यूब में ज़्यादातर इंडियन यूट्यूबर्स हैं। इसीलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ता है अगर आप यूट्यूब में आओगे तो। और यूट्यूब में आने के बाद कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है या कुछ अलग कर सकते हो आप। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आप गेमिंग कम्युनिटी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे और अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे कुछ सब्सक्राइबर्स में ही। तो अलग करने की कोशिश कीजिए, कुछ लोगों से अलग अटैचमेंट बैठाइए, कोलैब कीजिए, तो इससे आपके चैनल को एक बूस्ट मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं।